पहला प्रश्न है, गुरुदेव दीपावली मनाने का सबसे अच्छा तरीका बताने की कृपा करें। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो दीपावली मनाते? ये तो सारे लोग 100% दीपावली मनाते हैं, तो फिर तरीका बताने की ज़रूरत क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा है दीपावली मनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। दीपावली भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे सारी दुनिया में हिंदू लोग, सिख लोग, जैन और कुछ अन्य लोग भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। और मैं संक्षेप में कहूँ तो दीपावली पूर्ण रूप से प्रतीकात्मक त्यौहार है। अशुभ पर शुभ की विजय के रूप में दीपावली मनाई जाती है, या अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में दीपावली मनाई जाती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराएं दीपावली महोत्सव के साथ जुड़ी। उत्तर भारत में भगवान राम जब रावण का वध करके वनवास से वापस अयोध्या लौटते हैं, तो उनके स्वागत में विराट महोत्सव का आयोजन किया गया, जो धीरे धीरे दीपावली महोत्सव की परंपरा बन गई। ऐसे दक्षिण भारत में परंपरा कहती है कि जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, जो एक बहुत निर्दयी, निरंकुश और प्रजा का तरह तरह से उत्पीड़न करने वाला शासक था, उस नरकासुर के वध के बाद दीपावली महोत्सव का आयोजन हुआ। और जैनों के परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण कारण है दीपावली मनाए जाने का। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना जैन परंपरा के इतिहास में घटित होती है। भगवान महावीर को बुद्धत्व की उपलब्धि होती है, और सारी दुनिया में भगवान महावीर के बुद्धत्व की घटना इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान महावीर पहले व्यक्ति हैं जिनको अमावस्या की रात में, नो मून नाइट में, जब सारे अस्तित्व की, ब्रह्मांड की ऊर्जा निम्नतम तल पर होती है, मनुष्य की जीवन ऊर्जा भी अमावस्या की रात सबसे निम्नतम तल पर होती है, उस दिन उन्हें बुद्धत्व की कैवल्य की उपलब्धि हुई। नाम तो उनका वर्धमान था, लेकिन चूंकि इतनी विषम परिस्थितियों में, जब प्रकृति में ऊर्जा सबसे निम्नतम तल पर होती है ब्रह्मांड में, और व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा भी निम्नतम तल पर होती है, उस अवस्था में चेतना के ऊर्जा के उच्चतम शिखर को उपलब्ध होना बड़ी असाधारण घटना है। ये तो ऐसे है जैसे नदी की बहती हुई धार के विरुद्ध चलता हुआ आदमी नदी के मूल स्रोत पर पहुंच जाए। अब तक जितने लोगों को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध, वो तो पूर्णिमा को पैदा हुए, पूर्णिमा को बुद्धत्व प्राप्त हुआ उन्हें, और पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने शरीर भी छोड़ा। और जितने सैकड़ों लोग बुद्धत्व की अवस्था को इस पृथ्वी पर उपलब्ध हुए हैं, कोई भी अमावस्या की रात उपलब्ध नहीं हुआ, सिर्फ भगवान महावीर। इसीलिए वर्धमान को महावीर की उपाधि दी गई, यानी इतना पराक्रमी, इतना शक्तिशाली, इतना वीर कि अमावस्या की रात कैवल्य को, बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ। इसलिए इस विराट घटना के बाद जैन परंपरा में दीपावली महोत्सव की परंपरा शुरू हुई। अब मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में उत्सव हम कैसे सही तरीके से मना सकते हैं, क्योंकि जो उत्सव मनाते हैं हम, उसमें थोड़ा हल्ला गुल्ला तो है, लेकिन उत्सव नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे ऊपर ऊपर से सब कर लेते हैं, डर के मारे दिया जला देते हैं, नहीं लक्ष्मी नाराज़ हो जाएंगी, डर के मारे हाथ जोड़ लेते हैं कि कहीं लक्ष्मी का पूजन न हुआ तो देवियाँ नाराज़ हो जाएंगी, धन साल भर तभी आएगा जब हाथ जोड़ के बैठेंगे। ये थोड़ा भय के मारे भले ही दिया हुआ जला लेते हैं, लेकिन वास्तव में उत्सव का जो वैज्ञानिक दृष्टि से मर्म है, वह मर्म हम भूल चुके हैं। अगर सही ढंग से दीपावली मनाना चाहते हैं, तो हम उत्सव की भाव दशा में
आने की चेष्टा करें। उत्सव की भाव दशा में तुम होते ही नहीं, इसलिए उत्सव के नाम पर जो करते हो वो सिर्फ नौटंकी है, सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ अभिनय है, सिर्फ मजबूरी है, उत्सव नहीं है। अगर दीपावली का सच्चा सच्चा लाभ उठाना चाहते हो तो उत्सव के मर्म को समझो। महोत्सव तुम तभी मना सकते हो जब तुम महोत्सव मनाने की भाव दशा में हो। महोत्सव मनाने की भाव दशा का अर्थ क्या है? महोत्सव तभी मनाया जा सकता है जब तुम जिंदगी के हर कार्य को खेल पूर्ण बना लो। दीपावली कोई एक दिन मनाने की चीज नहीं है, एक दिन का उत्सव नहीं है। अगर महोत्सव मनाने की कला तुम्हारे प्राणों में आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी का हर दिन उत्सव में और तुम्हारी जिंदगी की हर रात दिवाली की रात बन सकती है। और जिंदगी का हर कार्य खेलपूर्ण कैसे बन सकता है इसे समझ लो। खेलपूर्ण होने की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है। पहली आवश्यकता होती है कि खेल में आदमी नॉन सीरियस होता है, बिल्कुल गंभीर नहीं होता है, गैर गंभीर होता है, मतलब हल्का फुल्का हो जाता है, खेल खेल रहे हैं अब, नो सीरियसनेस। और दूसरी चीज क्या होती है कि जब खेल खेलते हैं तो खेल में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो बिल्कुल गैर गंभीर हो जाएं, हल्के फुल्के हो जाएं, सीरियसली नहीं लेना है। और दूसरे उसमें पूरी तरह डूब जाएं जैसे खेल में पूरी तरह डूब जाते हैं, यानी बिकम टोटली नॉन सीरियस बट गेट एब्सोल्यूटली इन्वॉल्व्ड इन योर वर्क, यानी बिल्कुल गैर गंभीर हो जाओ, हल्के फुल्के हो जाओ, लेकिन पूरी तरह जिंदगी के कामों में डूब जाओ, यानी जिंदगी के हर काम को तुम खेल बनाने की कला सीख लो। जिंदगी के हर काम को खेल बनाने की कला सीख लो। लेकिन हमारी आदत बिल्कुल उल्टी है, हम जिस काम को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं जब उसको करने की बात आती है तो उसमें ओवर सीरियस हो जाते हैं, और जिस काम को गैर जरूरी समझते हैं उसमें बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, उसकी बिल्कुल उपेक्षा कर देते हैं। नॉन सीरियसली किसी काम में डूब जाना हम जानते ही नहीं, इसीलिए हम सच्चे अर्थों में दिवाली होली मना ही नहीं पाते। भगवान कृष्ण जैसे लोग अद्भुत हैं, वे महाभारत जैसे महायुद्ध को भी खेल बना लेते हैं, और हम इतने नासमझ हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खेल को भी महाभारत जैसा महायुद्ध बना लेते। अभी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो जाए तो देखो एकदम खेल युद्ध का रूप लेने में देर नहीं लगता। आपकी ज़िंदगी के जो काम हैं रोज़मर्रा के डेली के, उनको खेल बना लो, डोंट टेक देम सीरियसली, लेकिन बी एब्सोल्युटली इन्वॉल्व इन टू इट, यानी उसको करने में पूरी ऊर्जा लगा दे, पूरी तरह उसमें डूब जाए। बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझ लो, तुम्हारी जिंदगी में संपूर्ण अध्यात्म उतर जाएगा। अध्यात्म ग्रंथों में सीमित नहीं रहेगा, वो ग्रंथों का अध्यात्म तुम्हारे प्राणों का संगीत बन जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में आनंद की तरंग पैदा कर देगा। जब काम खेल बन जाए तो समझ लो तुम्हें जीवन को जीना आ गया, और काम को खेल बनाया जा सकता है। पहला संदेश दीपावली के अवसर पर मेरा यही है, और दूसरा महत्वपूर्ण संदेश दीपावली के संबंध में है कि दीपावली के दिन आप घर में भीतर बाहर चारों तरफ पूरे शहर में दिए जला देते हैं, और बाहर के दिए जलाने की हमारी परंपरा बहुत पुरानी हो चुकी है। और बाहर के दिए जो तुम जलाते ही रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ आज बहुत महत्वपूर्ण बात, बाहर के दिए जलाते रहने से अब कुछ होने वाला नहीं है, अब तुम्हें भीतर के दिए को जलाने की ज़रूरत है। भीतर का दिया जलाया जाना अनिवार्य है, अब भीतर की भी आँख खोल लेना जरूरी है। यही दीपावली का संदेश है कि शुभ की अशुभ पर विजय, प्रकाश की अंधकार पर विजय, ये विजय सिर्फ बाहर दिए जलाने से नहीं होगी, ये विजय
प्राप्त करना है तो भीतर का भी दिया जलाना पड़ेगा, भीतर की आँख खोलनी पड़ेगी। भीतर की आँख खुल जाती है तो तुम्हें जिंदगी को जीने की अंतर्दृष्टि मिल जाती है, जिंदगी को जीने की समझ मिल जाती है। और जब जिंदगी को जीने की समझ अंतर्दृष्टि आपको मिल जाती है तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जब भीतर की आँख खुलती है, अंतर्दृष्टि मिलती है तुम्हें, तो जो सही है वो होने लगता है, जो गलत है वो छूटने लगता है। इसलिए आँख का खोलना जरूरी है। अगर तुम्हारे भीतर अंधेरा हो तो सारा उपद्रव तुम्हारी ज़िंदगी में पैदा होने से कोई रोक नहीं सकता। और भीतर अंधेरा हो तो तुम्हारे जीवन में क्या घटना घटती है कि भीतर भीतर इस अंधेरे के कारण ही जीवन में अतिशय कामुकता है, पूरी दुनिया में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, रोज़ रोज़ असंख्य हो रही हैं। ये तो थोड़ी बहुत हैं जो अखबार में आती है, 1% अखबार में आती, 99% अखबार में नहीं आती, 99% छिपा ली जाती है, दबा दी जाती है। इतना ज़्यादा उपद्रव है, क्रोध से हर आदमी भरा है जो तुम्हारे जीवन में नरक खड़ा करता है, लोभ है, ईर्ष्या है, शत्रुता है, और सबसे बड़ी बात तरह तरह की नकारात्मकता है तुम्हारे भीतर, निराशा भरी है तुम्हारे भीतर, अवसाद भरा है, डिप्रेशन भरा है। यही सब चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में नरक खड़ा कर देती हैं। ये जिन चीज़ों से तुम्हारी ज़िंदगी में नरक पैदा हो रहा है उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने तो नरकासुर का वध कर दिया, हजारों हजार साल पहले नरकासुर था, उसका वध कर दिया था। अब तो उस घटना का कोई विशेष औचित्य नहीं है, फिर दीपावली का क्या औचित्य है? दीपावली का औचित्य ये है कि तुम्हारे भीतर ये अतिशय कामुकता, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, शत्रुता, निराशा, अवसाद, तरह तरह की नकारात्मकता जो भरी हुई है, यही नरक पैदा करती है तुम्हारे जीवन का, और इन्हीं के कारण तुम्हारे भीतर नरकासुर पैदा हो गया है। उस नरकासुर का वध करना जरूरी है और वो तुम ही कर सकते हो। दीपावली का संदेश उसी नरकासुर का वध करने की ओर तुम्हें प्रेरित करता है कि तुम उसका वध कर सको। और उसका वध करने का उपाय सिर्फ एक ही है, भीतर तुम्हारे अंधेरा है, बाहर के दिए जल रहे हैं, भीतर तुम्हारे इतना अंधेरा है, भीतर दिया जलाते ही भीतर का नरकासुर उसका वध स्वतः होने लगता है।